हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय न्यू व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज खेत पाया हूँ ऐसे ही घूमने सुबह सुबह, तो देख रहा हूँ कि ना देख कह रहा हूँ मैं पाछे बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी पानी भरा हुआ है पूरी तरह से, और इस हिसाब से मौसम है उस हिसाब से लग रहा है कि ये पानी समथिंग 20-25 दिन या महीना तो ले जाएगा, एक महीना तो आराम से ले ही जाएगा सूखने में। और जो कि अब फ़िलहाल गेहूं बोने का सीज़न चल रहा है फ़िलहाल, और आई थिंक हमारे साइड तो 50% का मतलब 20% ही खेत बचे होंगे जो जिनमें अभी तक गेहूँ नहीं बोए हैं, बाकी तो नहीं सरसों गेहूँ अब तक फारिग हैं। और हम अभी भी इसी में देखो मेरे खेत अभी भी ऐसे ही पड़ा है, देख रहे हो एक ये खेत है, एक इससे परला है इसकी वजह से वो भी जोत नहीं आएगा। और मैं बाकी का दिखा देता हूँ, एक खेत मेरा ये है, ये देख लो पानी भरा पड़ा है जिसमें, है ना अभी दिख रहा है, एक ये रहा देखते रहो, एक ये खेत रहा, एक इससे परला है, जूम कर देता हूँ देखो, एक ये खेत रहा ये वाला, ठीक है ये भी अभी तक ऐसे ही है। और दिखा देता हूँ आपको, एक में देखो अभी भी शायद आपको नज़र आ जाए तो थोड़ा बहुत तो उसमें पानी अभी भी है, देखो जिसमें ये बगला बैठे हुए ना, ये पक्षी ही बैठे हुए हैं छोटे छोटे से, इसमें अभी भी पानी है। एक ये खेत है जिसमें पानी है, एक ये रहा जिसमें पानी है, है ना देख इसमें भी बैठे, और एक ये रहा ठीक है, और एक इससे ऊपर का हो रहा है परली साइड का देख रहा, जिनमें अभी भी पानी की वजह से फसल नहीं हो सकती। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 20 दिन तो हो ही ना, और 20 दिन के बाद कोई शायद उम्मीद बनेगी थोड़ी बहुत। और पानी ये देख रहे हो ये स्टॉक है, ये वो है जो खेतों में से निकाला गया है पानी, ये आवा नहीं रही कहीं पे भी, ये तो खाली ओनली खाली ही रही है। तो अब क्या लग रहा है कि फसल से तो रह ही गए हम ज्वार बाजरा की से, और अब क्या लग रहा है कि गेहूं से भी रह जाते दिखे हैं पूरी तरह से, ठीक है अब ऊपर वाले को अगर यही मंजूर है तो हमें मंजूर है, कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि जब कोई नहीं मानता तो वही बात है कि जब ऊपर वाले को ये मंजूर है हमारे साथ ऐसा रवैया रखना या ऐसा कुछ है तो ठीक है, क्या कर सकते हैं कुछ कर भी नहीं सकते भाई, है ना सब्र कर सकते हैं और देखेंगे कहीं ना कहीं से कि